बताया था कि कंसीडरेशन क्या होती है एंड इफ़ यू रिमेंबर दिस डेफिनेशन वॉज गिवन इन सेक्शन टू डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट दिस डेफिनेशन वॉज अबाउट कि कंसीडरेशन क्या होती है वेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर के मर्जी से जो प्रामिस ही है या कोई और पर्सन हैज डन और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग डज और एबस्टेन्स फ्रॉम डूइंग प्रोमिसज टू डू और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग या कोई एक्ट

कंसीडरेशन के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है वही आज का टॉपिक होने वाला है इट इज कंसीडरेशन शुड बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रमिसर कंसीडरेशन हमेशा तब देनी चाहिए जब इसमें प्रोमिसर की डिजायर हो प्रोमिसर की वेलिडनेस हो प्रोमिसर अपनी हामी भर चुके हैं कि यस इट इज एट माई डिजायर दैट आई वॉन्ट कंसीडरेशन शुड बी पेड ऑफ राइट सो लेट स्टार्ट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट नॉट अ गुड कंसीडरेशन अनलेस डन एट द डिज़ायर ऑफ़ द प्रोमिसर कोई भी एक्ट जब तक उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी अगर वो प्रोमिसर की डिज़ायर में नहीं किया गया है तो अगर उसमें प्रोमिसर की डिज़ायर है प्रोमिसर की ऑलरेडी आपने क्या परमिशन ले ली है तभी आप अगर वो कोई एक्ट करोगे दैट विल कंसीडर्ड एज अ गुड कंसीडरेशन अदरवाइज इट विल हैव नो वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स हम यही बात एक केस से समझते हैं केसेस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव इसमें क्या होता है ध्यान से समझना है आपने प्लेंटिव ऑन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर जो उनके म्यूनिसिपल कलेक्टर हैं उनके ऑर्डर आने पर प्लेटिव ने क्या किया बिल्ट एट हिज ओन एक्सपेंस खुद के खर्चे से सर्टेन शॉप्स बनाई इन बाजार प्लेंटिव ने बनाई प्लेंटिव मान के चलिए ए पर्सन है कोई नाउ द शॉप्स केम टू बी ऑक्यूपाइड बाय द डिफेंडेंट्स अब वो शॉप्स ऑब्वियसली है बाजार में अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे लोग आए उन्होंने उनसे शॉप्स ले ली किराए पे ले लिया व्हाट ओ एवर उनसे ली हु इन कंसीडरेशन ऑफ द प्लेंटिव हैविंग एक्सपेंडेड मनी इन द कंस्ट्रक्शन डिफेंडेंट्स ने प्लेंटिव को क्या बोला कि आपने जो अपने खर्चे से शॉप्स बनाई हैं वी प्रॉमिस टू पे हिम अ कमीशन हम आपको कमीशन देंगे ठीक है और कमीशन किस चीज़ का होगा जो भी हमारा सामान बिकेगा आर्टिकल सोल्ड उससे हम आपको क्या देंगे अपनी एजेंसी से आपको कमीशन देते रहेंगे अब क्या होता है लेटर ऑन डिफेंडेंट्स कमीशन नहीं दे पाते हैं या वो देना नहीं चाहते हैं कुछ भी होता है वो नहीं देते हैं देन प्लेंटिव क्या करता है एक्शन लेकर आता है प्लेटिव एक्शन इज टू रिकवर द कमीशन वो अपना कमीशन लेने के लिए जाता है कोर्ट में कि अब मेरे को ये जो डिफेंडेंट है मेरा कमीशन ही नहीं दे रहे हैं मैंने अपने खर्चे से दुकानें बनाई हुई हैं और पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था और अब दे नहीं रहे हैं राइट right? तो इसमें बताइए क्या होता है दिस प्लेटिव एक्शन टू रिकवर द कमीशन दिन टोटली रिजेक्टेड दिस वॉज रिजेक्टेड माइ डियर स्टूडेंट बाय द कोर्ट वाई इसमें क्या जजमेंट आई इट वॉज हेल्ड द ओनली ग्राउंड फॉर मेकिंग ऑफ द प्रोमिस इज द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द्लेंटिफ सिर्फ यहाँ पर यह क्या था कि प्रॉमिस तभी डिफेंडेंट्स ने किया क्योंकि उसने खर्चा उठाया था शॉप्स बनवाई थी बट क्या उसने वो खर्चा डिफेंडेंट से पूछ कर उठाया था क्या उसमें डिफेंडेंट्स का कोई भी रोल था

और मैं आपसे कमीशन लूंगा मेरा खर्चा निकलवाने के लिए मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा तब मैं कमीशन लेना बंद कर दूंगा तब तो वी वैलिडली से यस दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट एट दैट टाइम द दैट इनकर्ड वॉज नॉट एट द डिजायर ऑफ द डिफेंडेंट्स बट दैट एक्ट वॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ कलेक्टर्स ऑर्डर ओके नाउ वट नेक्स्ट थिंग दिस पर्टिकुलर असेंशियल एलिमेंट से एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द अ गुड अंसिडरेशन इवन इफ इट इज ऑफ नो और पर्सनल बेनिफिट टू हिम ओके अगर ने कोई भी काम ऐसा एट द डिजायर ऑफ दूसरे पर्सन से किया है एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द प्लेटिव यही एक अच्छी कंसिडरेशन है बेशक इसमें उसका कोई पर्सनल बेनिफिट हो उसके लिए वह काम इंपॉर्टेंट हो ना हो ये मैटर नहीं करता बट इसमें डिज़ायर नेक्स्ट पर्सन की या दोनों पर्सन की डिज़ायर होनी चाहिए हाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल्सो दिस बाई केस केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद इसमें क्या बोला गया था स्टूडेंट्स देर वॉज अ हाउड़ा म्यूनिसिपैलिटी एंड दिस वॉज कंस्ट्रक्टिंग अ टाउन हॉल वो बना रहे थे डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया कि हम आपको रुपीज़ हंड्रेड एज अ सब्सक्रिप्शन पे करते रहेंगे आप टाउन हॉल बनाइए बट लेटर ऑन क्या हुआ दे डिडेंट पे उन्होंने कुछ पे ही नहीं किया होड़ा म्युनिसिपैलिटी जो थी वो टाउन हॉल तो लोगों के लिए ही बना रही थी ना और उसमें लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको हंड्रेड रुपीस देंगे सब्सक्रिप्शन के बट उन्होंने पे नहीं किया सो नाउ प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू गेट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अ म्युनिसिपैलिटी ने किसी प्लेन टिप्स से अपना कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया भाई आप बिल्डिंग बनाना शुरू कीजिए हमें तो ऑलरेडी प्रॉमिस है सौ सौ रुपये सब्सक्रिप्शन के आ जाएंगे ऑन द फेथ ऑफ द प्रॉमिस अब क्या बात बोली गई देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट थिंग है कि होल जो था वो उसमें प्रॉमिस ऑलरेडी आ चुका था एंड इट वॉज हेल्ड कि जो डिफेंडेंट्स हैं दे आर लाइबल टू पे उनको अब पे करना ही पड़ेगा अंडरस्टूड

ओके okay? कि सिर्फ प्रोमिसी को एक्ट करना है इसमें प्रोमिसी का जो एक्ट होगा इस साइमल्टेनियस एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन वही कंसीडरेशन और वही एक्सेप्टेंस है कि उसने दूसरे पर्सन की बात को ऑफर को मान लिया अब प्रोमिसी एंड ऑल्टर्स हिज पोजीशन प्रोमिसी अपनी पोजीशन को ऑल्टर करता है प्रोमिसल्टर्स हिज पोजीशन

दिस इज़ अब्दुल अजीज़ वर्सिज मासूम अली इसमें क्या बोला गया है माई डी स्टूडेंट्स डिफेंडेंट प्रामिस टू पे रुपीज़ फाइव हंड्रेड डिफेंडेंट प्रामिस करते हैं कि हम फाइव हंड्रेड देंगे टू अ फंडार्टिड फॉर बिल्डिंग अ मॉस्क जो एक मॉस्क के लिए एक फंड बनाया गया है उसमें प्रोमिस करते हैं पाँच सौ रुपये देते रहेंगे अब क्या हुआ दूसरी साइड से नथिंग वॉज डन टूवर्ड्स दैट एंड मतलब उन्होंने मॉस्क बनाना शुरू ही नहीं किया अब यहाँ पर क्या है डिफेंडेंट्स वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज यूनिलेटरल एग्रीमेंट है एक ही साइड ने प्रोमिस किया था दूसरी साइड को तो एक्ट करना था एंड एक्ट फ्रॉम द प्लेटिव वॉज नीडेड जब तक वो मॉस्क बनाएंगे नहीं वो पैसे देंगे नहीं और इसमें आप डिफेंडेंट्स को क्या कर सकते हो बिल्कुल भी लाइबल नहीं कर सकते बिकॉज दे प्रोमिस वेन द मॉस्क विल स्टार्ट बिल्डिंग अप राइट नाउ मूविंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द सेम टॉपिक रिवोकेशन ऑफ यूनीटरल प्रोमिस यूनीटरल जो ये प्रॉमिस मैंने अभी बताया है जो एक साइड से सिर्फ प्रॉमिस होता है और दूसरी साइड से एक्ट होना ज़रूरी है इसमें रिवोकेशन कैसे होता है अगर आपको रिवोक करना है रिजेक्ट करना है सो so, बिफोर द प्रोमिसी मतलब प्रोमिसी एक्ट करने से पहले जैसे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि मॉस्क के बनने से पहले अगर डिफेंडेंट चाहे अपना प्रॉमिस वापस लेना भाई हम 500 नहीं दे सकते तो वो आपको मॉस्क से बनने से पहले ही रिवॉक करना पड़ेगा अदरवाइज जैसे ही मॉस्क की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई तब आप अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकते राइट बिफोर द हिज प्रोमोजिशन बाई एक्टिंग ऑन द प्रोमेटर प्रोमिस कैन बी रिवॉक्ट आप उससे पहले पहले ले सकते हो अदरवाइज नॉट ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन आई होप आपको कंसिड्रेशन टॉपिक अच्छे से समझ में आया और इसका ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस समझ में आई है इन नेक्स्ट सेशन वी विल Another important essential element of same topic consideration, जो क्या है इट शुड बी गिवन बाई द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसी द्वारा दी जाती है राइट सो विदेश ने